सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और अयोध्या में राम मंदिर बन गया। राम मंदिर की ये इतनी सी कहानी नहीं है। इस राम मंदिर की नींव में अगर चांदी की ईंट रखी जा रही है तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसकी नींव में सैकड़ों कार सेवकों के रक्त की बूंदें भी शामिल हैं, वो रक्त जो उन्होंने इस मंदिर के लिए अपने रामलला के लिए चढ़ाया था। हम भारतीयों की सबसे बड़ी बुराई ये है कि हम बहुत जल्दी अपना अच्छा और बुरा इतिहास भूल जाते हैं। हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमें ये बताना होगा कि किस तरह से कार सेवकों ने 2 नवंबर 1990 के दिन राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। राम मंदिर की चकाचौंध पर हम सभी को गर्व है, लेकिन इस चकाचौंध में हमें याद रखना होगा कोठारी बंधुओं के बलिदान को, जिन्होंने अपनी जवानी इस मंदिर के लिए कुर्बान कर दी। हमें याद रखनी होगी उस युवक की कहानी जो अयोध्या में गोली लगने के बाद तड़पता हुआ नीचे गिरा और उसने अपने खून से सड़क पर लिख दिया सीताराम। आज तक ये कोई नहीं जानता कि सीताराम उसका नाम था या उसने मरते मरते आखिरी बार अपने भगवान श्री राम और देवी सीता को नमन किया था। ये सब किरदार और उनके बलिदान कोई कपोल कल्पना नहीं है, बल्कि ये वो दस्तावेज़ हैं जिन्हें उस दौर के पत्रकारों ने अपनी रिपोर्ट्स और लेखों में दर्ज किया है। इन्हीं दस्तावेज़ों में से एक है ये किताब युद्ध में अयोध्या, जिसे लिखा है वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा ने। हेमंत शर्मा 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में ही मौजूद थे। उन्होंने अपनी आँखों से उस खूनी मंजर को पूरी तरह से देखा था। उस दौर में उनकी रिपोर्टिंग ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। आज मैं आपको हेमंत शर्मा की इसी किताब और उस दौर में अखबारों में जो छपा था उसके आधार पर बताने की कोशिश करूंगा कि 2 नवंबर 1990 के दिन क्या हुआ था। लेकिन ये कहानी शुरू होती है 2 दिन पहले, यानी 30 अक्टूबर 1990 से। हिंदू संगठनों ने 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवा का ऐलान किया था। इससे पहले 23 अक्टूबर को लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा रोककर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इससे कार सेवकों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई थी। लाखों की तादाद में कार सेवक अयोध्या पहुंच रहे थे। वहीं यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने ऐलान किया था कि बाबरी मस्जिद पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और इसी तनाव के माहौल में उगता है 30 अक्टूबर 1990 का सूरज। पूरे अयोध्या में कर्फ्यू लगा हुआ था। पुलिस ने विवादित ढांचे के 1.5 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग कर दी थी, लेकिन तब भी हजारों कार सेवक हनुमानगढ़ी पहुंच गए, जो बाबरी ढांचे के एकदम करीब था। मुलायम सिंह यादव का फरमान था कि किसी भी कीमत पर बाबरी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। पुलिस पहले तो लोगों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ती रही, लेकिन इसी बीच कुछ कार सेवक मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गए। इन युवकों में कोलकाता से आए दो भाई शरद कोठारी और रामकुमार कोठारी भी थे, जिन्हें आज दुनिया कोठारी बंधुओं के नाम से जानती है। इन्हीं कोठारी बंधुओं ने विवादित ढांचे के ऊपर भगवा झंडा फहरा दिया। पुलिस ये देखकर बेकाबू हो गई और उसने कार सेवकों पर फायरिंग शुरू कर दी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उस दिन अयोध्या में फायरिंग में 5 कार सेवक मारे गए, लेकिन हकीकत में उस दिन 11 कार सेवक शहीद हुए थे। अगले 48 घंटों तक अयोध्या में एक अजीब तरह की शांति रही, लेकिन हकीकत में ये एक तूफान के पहले की शांति थी। 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में वो होने वाला था जिसे आने वाले सैकड़ों साल तक हर हिंदू को याद रखना चाहिए। 2 नवंबर 1990 को हनुमानगढ़ी के आसपास हजारों कार सेवक जमा हो गए। मुलायम सिंह का आदेश था, इसलिए पुलिस ने कार सेवकों पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस का दावा था कि उसने पहले लाठी चार्ज किया था, लेकिन जब हालात नहीं संभले तो उसे फायरिंग पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन इस घटना के चश्मदीद पत्रकार हेमंत शर्मा की ये किताब पुलिस के दावों की पोल खोल देती है। हेमंत शर्मा इस किताब में लिखते हैं कि दिगंबर अखाड़े की तरफ से आने वाला जुलूस सड़क पर बैठ गया और रामधुन गाने लगा। मैं अपने साथी संवाददाता जेपी शुक्ला के साथ दीवार से सटकर खड़ा हो गया, क्योंकि पुलिस की गोलियां हमारे अगल बगल से सनसनाती हुई निकल रही थीं। शुक्ला जी की SSP सुभाष जोशी से झड़प भी हो गई। उनका कहना था कि जो लोग सड़क पर निहत्ते बैठे हुए हैं उन पर गोली क्यों चलाई जा रही है। हेमंत शर्मा आगे लिखते हैं कि तथ्य यह है कि प्रशासन ने कार सेवकों पर अंधाधुंध गोली तब चलाई जब वो सत्याग्रह के लिए सड़कों पर बैठकर रामधुन गा रहे थे। चश्मदीदों के मुताबिक पुलिस ने कार सेवकों पर बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाई। पुलिस ने ढूंढ ढूंढ कर कार सेवकों को मारा। इन्हीं में से थे कोलकाता के कोठारी बंधु, जिन्होंने 2 दिन पहले ही बाबरी ढांचे पर भगवा ध्वज फहराया था। CRPF के एक सब इंस्पेक्टर ने सबसे पहले घर से छोटे भाई 20 साल के शरद कोठारी को घसीटकर बाहर निकाला और सड़क पर बिठाकर उसके सर में गोली मार दी। छोटे भाई के साथ ये सब होता देखकर बड़ा भाई 23 साल का रामकुमार भी वहां पर आ गया। इंस्पेक्टर ने उसकी गर्दन पर भी
गोली मार दी। दोनों भाइयों ने सड़क पर ही दम तोड़ दिया। ऐसी ही एक और दर्दनाक कहानी का वर्णन हेमंत शर्मा अपनी इस किताब में करते हैं। वो लिखते हैं कि एसएसपी की चेतावनी के बाद भी हम वहाँ से नहीं हट रहे थे। हमें लगा कि हमारे यहाँ होने से पुलिस की बर्बरता कुछ कम होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने देखा कि एक कार सेवक गोली लगते ही सड़क पर गिर पड़ा और उसने अपने खून से सड़क पर लिखा सीताराम। पता नहीं उसका नाम था या अंतिम समय में किया गया भगवान का स्मरण, मगर उसके गिरने के बाद भी सीआरपीएफ की टुकड़ी ने उसकी खोपड़ी पर गोली मारी। उसके बिलखते साथी ने मुझे बताया कि वो दोनों राजस्थान के गंगानगर से आए थे। ऐसा नहीं है कि सारे वर्दी वालों के सर पर खून सवार था। फायरिंग के वक्त सीआरपीएफ के कुछ जवान फूट फूट कर रो रहे थे। कई जवानों ने तो अपनी बंदूक रख कर इसलिए डंडा उठा लिया था कि उनके अफसर उन्हें गोली चलाने का हुक्म नहीं दे पाएंगे। शाम होते होते अयोध्या में 40 कार सेवक शहीद हो गए थे, लेकिन इतना करने के बाद भी मुलायम सिंह यादव की सरकार का दिल नहीं भरा। ये खबर अगले दिन लोगों तक ना पहुँचे, इसके लिए 3 नवंबर की सुबह बनारस, गोरखपुर, कानपुर और इलाहाबाद में अखबार नहीं बंटने दिए गए। लेकिन अगले दिन फैज़ाबाद में जो हुआ वो अभूतपूर्व था। सरकारी अफसरों की पत्नियों ने फैज़ाबाद के कमिश्नर मधुकर गुप्ता के घर पर धावा बोल दिया। वहाँ जो बातचीत हुई उसका दिलचस्प वर्णन हेमंत शर्मा ने अपनी किताब में किया है। वो लिखते हैं, एक एडीएम की बीवी ने कहा कि कमिश्नर साहब, आप मुलायम सिंह के हर मनमाने फैसले का समर्थन क्यों करते हैं? इस पर कमिश्नर ने कहा कि मैं क्या करूं? तब एक और अफसर की बीवी बोली, आप संतों पर गोली चलाने से मना करें, उनके आदेशों को मानने से इनकार कर दें। तब कमिश्नर ने कहा, ये सरकार का फैसला है, इसमें हमारा दखल नहीं होता, आप अफवाहों पर ध्यान ना दें। तब गुस्से में एक और अधिकारी की पत्नी बोली, आप आंखों से सरकारी पट्टियां उतारिए, क्या सच्चाई का परचम सिर्फ आपकी सरकार ने थाम रखा है? आपने इंसानियत का संहार किया है, क्या आप अपने घर वालों पर गोली चला सकते हैं? तब कमिश्नर ने कहा, कार सेवक बसों को तोड़ रहे थे, पथराव कर रहे थे। तब ये सुनकर गुस्से में एक महिला बोली, बसें तो बाद में भी बन जातीं, लेकिन जिनकी गोदें सूनी हो गई हैं, जिनके सिंदूर उजड़ गए हैं, क्या आप उन्हें वापस ला सकते हैं? कमिश्नर चुप थे और अफसरों की बीवियां चिल्ला चिल्ला कर कह रही थीं कि लाठियां क्यों नहीं चलाई गईं। मुख्यमंत्री के सिर्फ इस ऐलान से कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आप लोगों ने चापलूसी में निहत्ते लोगों को गोलियों से भून डाला। कहते हैं कि उस रोज़ अयोध्या के कई घरों में खाना नहीं बना, लोगों ने नम आँखों से जुलूस निकाला। उनके हाथों में तख्तियाँ थीं जिन पर लिखा हुआ था, जनरल डायर मत बनो। ये आज़ाद हिंदुस्तान का जलियांवाला बाग कांड था। इस गोलीकांड के बाद पूरे भारत में लोगों ने मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहना शुरू कर दिया था। इसी आक्रोश और दुख के बीच सरयू के किनारे कोठारी बंधुओं के शवों को चिता पर रखा गया। अयोध्या का पूरा आसमान कोठारी बंधु अमर रहे के नारों से गूंज रहा था। बाबरी ढांचे पर सबसे पहले भगवा झंडा फहराने वाले ये दोनों भाई कोलकाता से अयोध्या तक कैसे पहुंचे थे, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। रामकुमार और शरद कोठारी 22 अक्टूबर की रात कोलकाता के अपने घर से रवाना हुए थे। बनारस पहुंचकर जब इन्हें कोई बस और दूसरा साधन नहीं मिला तो ये टैक्सी में फूलपुर कस्बे तक पहुंचे। यहां से अयोध्या तक के लिए सड़क के सारे रास्ते बंद थे, लिहाजा दोनों 200 किलोमीटर पैदल चलकर 30 अक्टूबर की सुबह अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने दोपहर तक बाबरी ढांचे पर भगवा फहरा दिया था। लेकिन 2 नवंबर 1990 को उन्हें पूरी बेदर्दी के साथ राम भक्त होने की सजा दी गई। आज कोठारी बंधु नहीं है, लेकिन अयोध्या की गलियां आज भी उनके बलिदान की गवाह हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद भी अगर हम लोग कोठारी बंधु, सेठाराम माली, रमेश कुमार, महावीर प्रसाद, रमेश पांडे, संजय कुमार, प्रोफेसर महेंद्रनाथ अरोड़ा, राजेंद्र धारखर और बाबूलाल तिवारी जैसे कार सेवकों के बलिदान को भूल जाते हैं तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें कभी माफ नहीं करेंगी। इसलिए जाते जाते मैं इतना ही कहूँगा कि राम मंदिर बन रहा है, खुशी मनाइए, लेकिन इस खुशी में उन शहीदों को नहीं भूलिए जो लौटकर कभी अपने घर नहीं आए। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।